सुनील को मैं जानती थी, तो थिएटर का आदमी है तो जाहिर है हमारी बिरादरी का है, तो जैसे ही उसने उसके पास से आया और मुझे मैसेज किया ऐसे बनना है, तो और बच्चों की फिल्म में तो फिर ना बोलने का कुछ था ही नहीं मेरे लिए। मेनली ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए और मैं तो बोलूँ सोसाइटी के लिए बनी हुई फिल्म है, कि मैं स्कूल में और कॉलेज में बच्चों को हैंडल कर चुकी हूँ। मतलब स्कूल में मेनली किया हुआ है जो, क्योंकि इसमें तो स्कूल के बच्चे थे, तो अगर आपको मालूम है कि बच्चे जब तक शैतानी नहीं करेंगे थोड़ी सी, और सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात थी कि उन लोगों की ट्यूनिंग अच्छी थी, मतलब वो लोग पिकनिक ही मना रहे थे, जो इतने सारे बच्चे थे वो ऐसा नहीं था कि मैं वन अप करूँगा या कुछ करूँगा। मुझे लगता है इसका क्रेडिट सुनील को जाता है, हमारे डायरेक्टर को जाता है, कि बच्चों के साथ इतना पेशेंटली काम करना और उनसे अच्छा काम निकलवाना, और वो ऐसा कि वो आर्टिफिशियल ना लगे, तो मुझे लगता है कि वो उसने बहुत अच्छी तरह से वो कर लिया सुनील ने, और मज़ा आ रहा था क्योंकि बच्चे बच्चों की तरह ही बिहेव करेंगे तो ही वो, नहीं तो फिल्म में आर्टिफिशियल एक्टिंग करेंगे ना, अगर रियल एक्टिंग नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि फिल्म देखो, और ये नहीं कि कोई प्रीचिंग कर रहे हैं हम लोग या कुछ कर रहे हैं, देख के आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अपनी फिल्म है और आपको थोड़ा सा सोचने के लिए ये मजबूर करेगी फिल्म, और फिर हो सकता है कि आपके एटीट्यूड में जो पेरेंट्स हैं या जो बाकी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, इसके मैं करती हूँ।